हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। सौ का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चाहे का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बदलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल, जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, एवरीबॉडी मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आज हम दोबारा से मिल रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है न्यूट्री चार्ज गेनर। जी हाँ, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो अब तक हमने गौर नहीं किया है। और क्योंकि न्यूट्री चार्ज गेनर की ट्रेनिंग हम बहुत वक्त बात कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है प्रोडक्ट का रिविजन करने का। और हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट पर हम कैसे काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है जिसका हमें हमारा रिविजन करना आज बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना न्यूट्रीचार्ज गेनर। एक स्वस्थ और आकर्षक शरीर की हम सबके मन में चाह होती है। जी हाँ, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं चाहता कि हमारा शरीर न सिर्फ स्वस्थ हो बल्कि आकर्षक भी हो।
क्योंकि ये हमारे आत्मविश्वास को जगाता है, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है। जब आप अपने आप को सुंदर दिखते हैं, जब आप स्वस्थ दिखते हैं, आप मोटे हैं और न बहुत पतले हैं, आप बिल्कुल फिट अगर बॉडी आपकी है, तो अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है और कई तरह की गतिविधियों में यह आपको सक्रिय रखता है। जब आत्मविश्वास होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, विश्वास के साथ कर पाते हैं और अपना नाम, अपना ठप्पा, अपनी इमेज, अपना प्रसारी इमेज हम बना सकते हैं। स्वस्थ शरीर हमें मानसिक रूप से भी सक्रिय रखता है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं और हमारा मन प्रसन्न होता है, तो जाहिर है कि हम मानसिक तौर पर भी ज़्यादा स्वस्थ, मानसिक तौर पर ज़्यादा प्रेजेंट, किसी भी सिचुएशन में मानसिक तौर पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर उन लोगों के लिए है जो अपने दुबले पतले शरीर के कारण कहीं आत्मविश्वास को खो रहे हैं या उन्हें अपने आप में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। आइए आगे समझते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एक फिट शरीर कहते किसको हैं, क्या है फिटनेस। जब हम बोलते हैं कि हमें ना ज़्यादा मोटा होना है, ना ज़्यादा पतला रहना है, ना ज़्यादा दुबला पतला रहना है, तो फिर फिटनेस क्या है। फिटनेस का सबसे पहला पैमाना है BMI, जिसका जो मेजरमेंट है वो वेट अपॉन हाइट स्क्वायर से होता है। BMI जो है वो ये बताता है कि आपका वजन और आपकी ऊंचाई, आपका हाइट और वेट का रेशियो जो है उसका अनुपात सही है या नहीं है। जिन लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती है वो अगर थोड़े से ज़्यादा रिष्ट पुष्ट होते हैं तो भी वो मोटे नहीं लगते हैं या उनका शरीर जो है वो मोटापे में नहीं काउंट होता है। और जो बहुत ज़्यादा छोटे लोग होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, अगर उनका वजन थोड़ा भी कम हो तो वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले लगते हैं। तो ये BMI जो है वो एक ऐसा पैमाना है जिससे आपका ऊंचाई और आपके वजन के अनुपात का पता लगता है। आप यहाँ पर देखेंगे अंडरवेट किसे कहा जाता है, यानी दुबला पतला लीन, जो वेट जितना होना चाहिए उससे कम वेट, अंडरवेट जो फिट नहीं है वो होता है 18.5 का BMI से नीचे जितने लोग होते हैं वो अंडरवेट होते हैं। नॉर्मल BMI किसको बोला जाता है, ये पुरुषों के BMI की बात कर रहे हैं हम, 18.5 से 24.9 तक का जो BMI होता है आपका वो नॉर्मल होता है, मतलब आप फिट में आते हैं। जो ओवरवेट लोग होते हैं उनका 25 से लेकर 29.9 तक का जो BMI होता है उनको ओवरवेट कहा जाता है। ओवरवेट के आगे की कैटेगरी होती है ओबीज, यानी ओवरवेट से थोड़ा बाहर निकल गए हैं, जो 30 के BMI से लेकर 34.9 का BMI होता है, और एक्सट्रीमली ओबीज मतलब बहुत ही ज़्यादा वजन है वो 35 से ज़्यादा का BMI जो होता है वो बहुत ज़्यादा वजन में काउंट होता है। इसी तरह से अगर हम महिलाओं का देखेंगे तो 16 के नीचे का जो है वो बॉडी मास डेफिसिट में आ जाता है, मतलब आपका BMI जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, आप बहुत अंडरवेट हैं। 18 से 16 से 18.5 भी आप अंडरवेट हैं। 18.5 से 24 जो है वो आपका नॉर्मल BMI कहलाता है। ओवरवेट में हम तब आने लगते हैं जब हमारा 25 से लेकर 30 के बीच में BMI होता है। 30 से 35 तो हम फर्स्ट डिग्री ओबीज, मतलब ओबीज, सेकंड डिग्री ओबीज 35 से 40 और 40 से ऊपर होता है थर्ड डिग्री ओबीज। ओबीज की कैटेगरी बिल्कुल पूरी तरह से खतरनाक कैटेगरी है और उसके लिए न्यूट्रोचार्ज SNF का सेशन हम आगे करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं 16 या 18.5 से नीचे का BMI, यानी जो लोग अंडरवेट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा जो पैमाना है वो शरीर में फैट का परसेंटेज। आइए समझते हैं क्या होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में फैट का सही अनुपात होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि अंडर 8% फैट जो है उसको हम अंडरवेट तो नहीं मानेंगे, मगर कम होता है। इनफैक्ट अगर आपकी मसल स्ट्रांग है और आपका फैट कम है तो भी आप फिट ही माने जाएंगे। फैट का परसेंटेज कम ही रहना चाहिए, 10 से 14% का फैट, उसके बाद में 15 से 18। तो इस तरह से जो है लीन बॉडी मास से हम हाई बॉडी, हम फैट की तरफ बढ़ते हैं।
तो तीसरा पैमाना जो है मसल्स का सही अनुपात, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा बात करते हैं फैट और मसल्स के सही अनुपात की, हम फैट को अकेले नहीं देखते और मसल्स को भी हम अकेले नहीं देखते। फैट और मसल्स का अनुपात कितना है या मसल्स का अनुपात कितना है, फैट को अकेले देखना थोड़ा सा गलत पैमाना हो जाता है। आप फैट और मसल्स को या तो साथ देखें या आप मसल्स को देखें। मसल्स के सही अनुपात की जब हम बात करेंगे तो करीब ये आप देखें, मसल्स का सही अनुपात फैट परसेंटेज यहाँ पे आ रहा है 20-25% जो पुरुषों के लिए होना चाहिए, और मसल्स का सही अनुपात होना चाहिए 40 से ज़्यादा। महिलाओं में सही अनुपात होना चाहिए 36% से ज़्यादा। ये जो हम आपको रीडिंग्स दिखा रहे हैं ये हमारे बॉडी स्कैनर पर आधारित हैं। बॉडी स्कैनर जो है आपको चार रीडिंग्स का पता करके बताता है। पहला जो हमने देखा क्या चाहिए आपको, पहली रीडिंग हमने देखी BMI, तो बॉडी स्कैनर जो है आपको BMI की रीडिंग बताता है। दूसरा बॉडी स्कैनर आपको फैट का परसेंटेज बताता है। तीसरा बॉडी स्कैनर आपको मसल्स का अनुपात बताता है। और चौथा बॉडी स्कैनर आपको अपनी हड्डियों का वज़न बताता है। हड्डियों का वज़न बढ़ाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, मसल्स का वज़न बढ़ाना या फिर ऐसा कहें कि मसल्स जो हैं उनको मेंटेन कर पाना आसान होता है, इसलिए हम हमेशा मसल्स की बात करते हैं। तो बॉडी स्कैनर जो है इन चारों रीडिंग्स को आपको पता करके देता है, और बॉडी स्कैनर के आधार पर ही, क्योंकि आप बॉडी स्कैनर का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बॉडी स्कैनर के आधार पर आपको यहाँ बताया गया है कि पुरुषों के लिए जो आइडियल रेशोज़ हैं, BMI होना चाहिए 18.5 से 24.9 के बीच में, फैट परसेंटेज होना चाहिए 25% के बीच में, और मसल्स होनी चाहिए 45% से ज़्यादा। महिलाओं में BMI होना चाहिए 18.5 से 24.9, फैट परसेंटेज होना चाहिए 25-30%, और मसल्स होनी चाहिए 36-36% से ज़्यादा। शारीरिक कमज़ोरी यानी वज़न का कम होना एक बहुत बड़ी परेशानी है। इनफैक्ट बहुत बार वज़न को अगर ज़्यादा है तो कम करना तो फिर थोड़ा आसान है, वज़न कम है तो बढ़ाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें समझनी हैं। कम वज़न होना कई प्रकार की परेशानियों को साथ लाता है। पहला, सामाजिक स्तर पर विवाह में दिक्कतें आती हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जिनका शरीर जो है शारीरिक तौर पर कमज़ोर जो होते हैं लोग, जिनका बहुत दुबला पतला शरीर होता है, जिनका मसल परसेंटेज कम होता है, उनको विवाह में दिक्कतें आती हैं। प्रोफेशनल परेशानियों से सामना करना पड़ता है, जब आप शारीरिक तौर पर कमज़ोर होते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होता है, तो दूसरे लोगों को आप पर हावी होने का मौका मिल जाता है। आसपास वालों के ताने सुनने को मिलते हैं। थकान और कार्यक्षमता में कमी महसूस होती है, ये आपकी अपनी उस लीन थिन दुबला पतला जो इंसान है उसकी अपनी प्रॉब्लम है, अपने शरीर की प्रॉब्लम है। बाकी सब चीज़ें तो बाहर से आ रही हैं, मगर अंदरूनी तौर पर उसको थकान बहुत होती है, उसे अपनी कार्यक्षमता में बहुत कमी महसूस होती है, जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा काम करने में ही थक जाते हैं। हार जाने या असफल हो जाने का डर भी होता है, क्योंकि आत्मविश्वास कम है, और आत्मविश्वास इसलिए कम है क्योंकि शरीर उतना अट्रैक्टिव उतना आकर्षक दिखता नहीं है। शारीरिक कमज़ोरी जो है वो डिप्रेशन को भी बढ़ाती है और अकेलेपन की ओर ले जाती है। जाहिर है जो लोग शारीरिक तौर पर कमज़ोर रहेंगे और जिन्हें आसपास के लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे या जिन्हें असफलता का डर होगा, वो अपने आप को एक कमरे में अकेलेपन में बंद कर लेते हैं, जिससे धीरे धीरे डिप्रेशन की टेंडेंसी होने लगती है। तो जो लोग दुबले पतले होते हैं उनको डिप्रेशन की समस्या भी ज़्यादा होती है। कमज़ोर शरीर के कारण कई उचित अवसर हाथ से निकल जाते हैं। फिर से बहुत लोगों को में आत्मविश्वास की तो कमी होती ही है, साथ में ऐसा होता है कि जो सामने वाला आपको अवसर प्रदान करने वाला है वो भी आप पर उतना विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर सामने वाला दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि अगर इसे अवसर दे भी दिया गया तो शायद ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा, इसलिए शारीरिक कमज़ोरी के कारण कई उचित अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। आपको लगेगा कि भारत में तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो ओवरवेट हैं, क्योंकि हमें अक्सर लोग ज़्यादा वज़न वाले ही मिलते हैं। अक्सर हम यही पूछते हैं वज़न कम कैसे करें, ऐसे लोग बहुत कम दिखते हैं हमें जो ये पूछते हैं वज़न कैसे बढ़ाएं। मगर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा अंडरवेट लोग रहते हैं। जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा ओवरवेट लोग भी रहते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा अंडरवेट लोग भी रहते हैं। ये आप देखेंगे, अंडरवेट इंडिया वर्सेस ओवरवेट इंडिया वर्सेस अंडरवेट इंडिया, ये एक स्टडी थी जिसमें आप देखेंगे 9.8 मिलियन इंडियन मैन ओवरवेट, 20 मिलियन ओबीज इंडियन विमेन। तो औरतें और पुरुष ओवरवेट भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। इसी तरह से 102 मिलियन इंडियन मैन एंड 101 मिलियन इंडियन विमेन आर अंडरवेट। तो जितने ज़्यादा लोग ओवरवेट हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अंडरवेट हैं। 40% पूरे वर्ल्ड का 40% जो है वो अंडरवेट पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो टोटल अगर आप मिलाएं दोनों को तो करीब 21 करोड़ भारतीय महिलाएं और पुरुष दोनों मिलाकर के अंडरवेट हैं इंडिया में। ये फिगर्स, ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। साथ ही साथ जिसको हम बोलते हैं, अगर आप बिजनेस के नज़रिए से देखना चाहें तो ये आपके लिए एक अवसर भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। क्योंकि हम बिजनेस में यही बात करते हैं कि हर चीज़ में हमें अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, और यहाँ तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है कि आपके पास 21 करोड़ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी को आप बेहतर बना सकते हैं, जिन्हें आप बेहतर शरीर का, बेहतर कॉन्फिडेंस का, बेहतर मौक़ों का, बेहतर जीवन का आप उनको उपहार दे सकते हैं। करना कैसे है, अंडरवेट होने के खतरे क्या क्या हैं? सबसे पहला खतरा, आपके बाल खराब रहेंगे, आपकी त्वचा खराब रहेगी, क्योंकि पूरा पोषण जब आपके शरीर में पहुंच ही नहीं रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही। थोड़ा सा एक चीज़, जो अंडरवेट लोग होते हैं उनमें एक समस्या जो बहुत ज़्यादा होती है, और डॉक्टर कपूर से इस बारे में मेरी बहुत पहले चर्चा हुई थी, तो मैं उन्हीं के पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगी कि अंडरवेट लोगों में जो पाचन क्षमता होती है, जो हम बोलते हैं कि शरीर में जो खाया जाता है वो उनके अंग को उस तरह से नहीं लगता है, इसका मतलब ये हुआ उनकी पाचन क्षमता थोड़ी कमज़ोर होती है। या तो वो जो खाते हैं वो पचता नहीं है, या फिर उनकी खाने की इच्छा ही नहीं होती है, वो कम ही खा पाते हैं, बहुत जल्दी उनका पेट भर जाता है। तो दोनों ही वजहें हैं कि या तो उन्हें भूख नहीं लग रही है इसलिए उनकी शारीरिक कमज़ोरी, उनका शरीर कमज़ोर है, या फिर जो वो खा रहे हैं तो वो पूरी तरह से ना पच रहा है ना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमें जब किसी के वेट गेन के लिए हम जब बात करते हैं, जब हम मसल गेन की बात करते हैं, जब हम बॉडी को फिट बनाने की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो है एब्जॉर्प्शन। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि आगे हम एब्जॉर्प्शन पर बात करने वाले हैं। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनके बाल खराब होते हैं, उनकी त्वचा खराब होती है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसका पोषण आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, अवशोषित नहीं हो रहा है, जिसका असर हमें पूरे शरीर पर दिखाई देता है। बार बार बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए वे बार बार बीमार पड़ते हैं, और बार बार शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ये दोनों तरह से काम करता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ेंगे तो जो शरीर का जो विकास हुआ, सपोज़ कीजिए आप जितने एक महीना आप बीमार नहीं पड़े और एक महीने में जितना आपके शरीर का विकास हुआ, आप एक बार बीमार पड़े तो वो शारीरिक विकास जो है आपका, जितना आपने किया है एक महीने में, वो सारा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, तो आप दो कदम पीछे चले जाते हैं। तो जो विकास हुआ वो तो ख़त्म हो ही गया, और जो जितने दिन आप बीमार रहे उसमें भी विकास नहीं हो पाया। और जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं न सिर्फ बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, बल्कि बीमार होने के बाद जो रिकवरी पीरियड होता है उनका, वो भी थोड़ा लंबा होता है। जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, फिट होते हैं, वे बीमार भी कम पड़ते हैं, और अगर बाय चांस बीमार पड़ भी जाएं तो वो रिकवर जल्दी कर जाते हैं। दोनों पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने ज़रूरी हैं।
हमेशा थके थके रहते हैं, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं वो हमेशा थके थके रहते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और उन्हें लगता है कि हम बहुत थक गए हैं। अनियमित मासिक धर्म और इनफर्टिलिटी महिलाओं की, लड़कियों की ये बहुत बड़ी समस्या है। जो वीक लड़कियां होती हैं उनको मासिक धर्म अनियमित होता है, और अनियमित मासिक धर्म होता है तो इनफर्टिलिटी यानी माँ बनने में उन्हें तकलीफ आती है। जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अपने वज़न को कम करती हैं अननेचुरल तरीके से, उनको भी ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कमी आती है। मैं यहाँ पर एक महिला के तौर पर आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यूट्रीचार्ज की हेल्थ एक्सपर्ट के हिसाब से, एक हेल्थ एडवाइज़र के हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ। इसलिए यहाँ इस सेशन में कुछ ऐसी चीज़ों पर बात होंगी जिस पर मैं चाहूँगी कि आप एक मुझे एक हेल्थ एडवाइज़र के रूप में ही देखें, एक महिला के रूप में ना देखें। सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो वीक होने का, शारीरिक रूप से कमज़ोर होने का एक बहुत बड़ा जो इफ़ेक्ट है, जो साइड इफ़ेक्ट आता है लोगों की जीवन पर, स्पेशली वैवाहिक जीवन पर, वो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कमी। तो उस कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तलाक और इन सब चीज़ों से भर जाती है। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाना भी हमारे लिए ज़रूरी है, और हम देखेंगे कि क्या न्यूट्रीचार्ज गेनर इसमें हमारी मदद कर सकता है। समय से पूर्व बच्चे का जन्म, जब माँ का शरीर स्ट्रांग नहीं रहता है कि वो बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में उठा सके, उसका वेट उठा सके, उसका भरण पोषण कर सके, तो बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर होता है। मिसकैरेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका शरीर दुबला पतला होता है, या फिर बच्चा समय से पूर्व होता है, प्रीमेच्योर होता है। और जब बच्चा प्रीमेच्योर होता है तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बच्चा समय से पहले पैदा होगा तो उसमें कितनी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कमज़ोरियाँ रह जाएंगी। प्रकृति 9 महीने तक बच्चे को माँ की कोख में रखती है, इसलिए ताकि उसका संपूर्ण विकास हो सके, यानी 9 महीने तक उसका संपूर्ण विकास होता रहे, उसका विकास होता रहता है। जब वो 9 महीने बाद बच्चा डिलीवर होता है तो वो पूरी तरह से विकसित होता है, जितना प्रकृति के हिसाब से उसे विकसित होना चाहिए। अगर समय से पहले बच्चा पैदा हो जाएगा तो जाहिर है कि उसमें कुछ शारीरिक और मानसिक कमजोरियाँ रह जाएंगी। तो अगर आपकी बिटिया का शरीर जो है वो अगर कमज़ोर है, आपने उसके पोषण पर ध्यान नहीं दिया है, तो हो सकता है कि आगे जाकर के उन्हें इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं, यानी आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी, और हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी हम जानते हैं, घुटनों का दर्द, बाकी जगह का दर्द, हमारी हड्डियाँ जो हैं हमारे शरीर का वज़न नहीं उठा पाती हैं, तो हमारा पूरा शरीर कमज़ोर होने लगता है। वज़न बढ़ाने के सही तरीकों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों वज़न बढ़ाने के सही तरीकों को जानना ज़रूरी है? क्योंकि गलत तरीके से भी वज़न बढ़ सकता है, मगर वज़न कम करना भी सही तरीके से कम करना चाहिए, और वज़न को बढ़ाना भी सही तरीके से चाहिए, ताकि आप जो वज़न जो बढ़ रहा है वो ऑलमोस्ट परमानेंटली बढ़ा रहे, जो वज़न घट रहा है वो ऑलमोस्ट परमानेंटली घटा रहे। तो दोनों के सही तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम समझते हैं, गलत तरीकों से फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जैसा आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, अगर आप उसी शाख पर बैठ करके उसी शाख को काटेंगे और ये सोचेंगे कि मैं शाख काट रहा हूँ, तो यकीनन नुकसान ज़्यादा होगा। तो हम सही तरीकों को समझते हैं। सही न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको व्यायाम की भी ज़रूरत रहेगी, और जीवन शैली में बदलाव की भी ज़रूरत रहेगी, तभी आप मनचाह परिणाम पा सकेंगे। वज़न में बढ़ोतरी इस तरह होनी चाहिए कि लीन मास बढ़े, यानी फैट के बिना आपका शरीर का वज़न बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वज़न बढ़ाने के लिए तो सिर्फ फैट बढ़ाने की ज़रूरत है, और फैट बढ़ाना बहुत आसान है शरीर में। मगर मैं समझती हूँ कि जिन लोगों का वज़न कम है, जो दुबले पतले लोग हैं, उनके लिए फ़ैट बढ़ाना भी मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आप जो फ़ैट भी खाते हैं वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब आपके शरीर में नहीं हो रहा है, इसलिए फ़ैट खाने पर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सोचिए, अगर फ़ैट खाने पर आपका वज़न बढ़ने लग जाएगा तो आपके शरीर में फ़ैट, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत जल्दी आने लगेंगी। वज़न जो है हमें बढ़ाना इस तरह से है कि फ़ैट परसेंटेज ना बढ़े, मगर
मसल्स का परसेंटेज बढ़े, मसल्स ही हैं जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, मसल्स ही हैं जो शरीर को सुदृढ़ बनाती हैं, मसल्स ही हैं जो आपको बीमारियों से दूर रखती हैं, ये हमने PVMF समझते वक्त समझा था। तो आपको जो है इस तरह से फैट बढ़ाना है, अपना वज़न बढ़ाना है कि आपका लीन बॉडी मास बढ़े, यानी फैट से रहित जो मास है यानी मसल्स का जो मास है वो बढ़ना चाहिए। वजन में बढ़ोतरी आपकी पर्सनालिटी में निखार लेकर आए, मतलब आप अच्छे लगने लगे, आप आकर्षक लगने लगे। ऐसा ना हो कि वजन इस तरह से बढ़ जाए कि आप अनाकर्षक लगने लगे। कार्बोहाइड्रेट जरूरी है हमारे लिए। हम अक्सर ये बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स खाना कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स। बैड कार्ब्स वो हैं जो एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी एनर्जी, खोखली एनर्जी देते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ चर्बी बढ़ाते हैं मगर एनर्जी नहीं देते हैं। गुड कार्ब्स वो होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। तो वज़न बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। आहार जिसमें प्रोटीन का समावेश हो ताकि आपका लीन मास बढ़े, आपका फैट ना बढ़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है, जैसा मैंने आपको बताया, वजन बढ़ाना तो फैट बढ़ाना बहुत आसान है। जैसे ही आपकी, अगर आपकी एब्जॉर्प्शन पावर ठीक हो गई और आपने फैट खाना शुरू कर दिया, फैट यानी आप रोज तला हुआ खा रहे हैं, आप रोज चीनी से भरा हुआ खा रहे हैं, आप रोज मक्खन घी तेल में तला हुआ खाना खा रहे हैं, तो आपका फैट बढ़ने लगेगा और कुछ ही वक्त में आप मोटे हो जाएंगे। मगर उस फैट को लेकर के हमें अपना वजन नहीं बढ़ाना है, हमें जो है अपनी मसल्स को बढ़ाना है, हमें अपने शरीर को फिट बनाना है, हमें जो है फिट टू फैट नहीं बनना है। जब अगर आपका शरीर में, अगर आपका शरीर दुबला पतला है तो आपको अपनी मसल्स बढ़ा करके अपने शरीर को फिट बढ़ाना है, अपनी फैट बढ़ा करके अपने शरीर को फैट नहीं बनाना है। और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन। तो आहार आपका ऐसा होना चाहिए जो प्रोटीन युक्त हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि वो आपकी मसल्स को मजबूत बना पाए, स्ट्रेंथन कर पाए। तो अब तक हमने ये समझा कि वज़न बढ़ाना मुश्किल है, बोन्स का वज़न बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। वज़न बढ़ाने के लिए हमें फैट का वज़न नहीं बढ़ाना है, हमें जो है वो मसल्स का वज़न बढ़ाना है, और मसल्स के वज़न के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता है और साथ ही साथ हमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स की भी आवश्यकता है। पोषण के जानकार ये कहते हैं कि एक महीने में लगभग 2 से 3 किलो की बढ़त हो या घटत हो, इसी को ठीक माना जाता है। यानी अगर आप वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी एक महीने में 2 से 3 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर आप वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी 2 से 3 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं घटना चाहिए। इनफैक्ट वज़न बढ़ाने के लिए मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि 2 किलो या उससे कम भी अगर वज़न बढ़ता है तो वो बेटर है, क्योंकि वो सस्टेनेबल रहेगा और लंबे समय तक आप उस वज़न को मेंटेन कर पाएंगे। जिस तरह से शरीर की टेंडेंसी होती है कि वज़न कम करने के बाद में आप जैसे ही लापरवाही बरतते हैं तो वज़न फिर से बढ़ जाता है, उसी तरह से जब वज़न कम होता है और आपने अगर वज़न को गेन किया और उसके बाद आपने लापरवाही बरती तो वापस वज़न कम भी हो जाता है। तो इसलिए हमें साइंटिफिक तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि साइंटिफिक तौर पर वज़न जो है वो 2 से 3 किलो से ज़्यादा एक महीने में बढ़ना नहीं चाहिए। रोज़ाना अगर आप 500 कैलोरी अतिरिक्त लेंगे तो एक हफ्ते में लगभग 500 ग्राम वज़न बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बढ़ेगा, बढ़ सकता है, क्योंकि न सिर्फ कैलोरी वाला खाना बल्कि कुछ और चीज़ें आपको जो है वो करनी होंगी जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने पहले आपको स्लाइड में बताया कि वज़न, जिस तरह से वज़न घटाना भी के लिए भी आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के साथ साथ अपनी डाइट और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उसी तरह से वज़न बढ़ाने के लिए यानी मसल्स बढ़ाने के लिए, मैं वज़न बढ़ाना नहीं बोलूँगी, लोगों को ऐसा लगता है कि फैट बढ़ जाए तो भी वज़न बढ़ जाएगा, मसल्स बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को फिट बनाने के लिए भी आपको अच्छी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, अच्छी डाइट और व्यायाम की
ज़रूरत है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम दुबले पतले हैं तो हमें व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम व्यायाम करेंगे तो हम और ज़्यादा दुबले पतले हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप अच्छा भोजन लेंगे, प्रोटीन से भरपूर, अच्छे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर जब आप भोजन लेते हैं और जब आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनको पचाने के लिए, उनके उनका मसल द्वारा सिंथेसिस करवाने के लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। उचित तरीके से वज़न बढ़ाने में सहायक है न्यूट्रीचार्ज गेनर, ये जो हमारा सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज गेनर। और आज जब हम इसके एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में समझेंगे और एक एक इंग्रेडिएंट की खासियत समझेंगे, तो आपको एहसास होगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा शक्तिशाली प्रोडक्ट है जिस पर शायद अब तक ध्यान थोड़ा कम गया। तो आज हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को देख करके आपको विश्वास होगा कि अगर इस प्रोडक्ट के साथ साथ, इसको लेने के साथ साथ, न्यूट्रीचार्ज गेनर को लेने के साथ साथ, अगर आपने डाइट प्लान फॉलो कर लिया और अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी मसल्स आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, आप फिट होंगे ही। जो लोग नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि एक्सरसाइज नहीं की जा रही है और डाइट प्लान भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। आज हम पूरी तरह से समझेंगे कि क्या करना चाहिए। इसमें है 17 गुणकारी हर्बल औषधियां, हर्बल यानी नेचर से, प्लांट से प्राप्त औषधियां हैं, हर्बल औषधियां हैं। इससे पहले कि मैं आपको औषधियां बताना शुरू करूं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगी। जब भी हम किसी हर्बल चीज़ की बात करते हैं या ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये प्राकृतिक से लाया गया है, प्राकृतिक है, बिल्कुल नेचुरल है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो हम घर पर ला सकते हैं, ये तो हम घर पर लाकर अपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नेचर में उसी तरह से मिलती है। चाहे हम बादाम की बात करें, या हम एप्पल की बात करें, या हम ब्लैक सीड की बात करें, या हम तुलसी की बात करें, नीम की बात करें, हमें अक्सर ये लगता है कि ये तो हमारे आसपास ही मिलता है, तो हम ला करके इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगी। पहली बात, अगर हम उपयोग कर पाते तो हम अब तक कर चुके होते, ये समस्याएं हमारे जीवन में नहीं होती, क्योंकि जिन हम नेचुरल चीज़ों की बात कर रहे हैं वो शायद मानव के धरती पर जन्म लेने से पहले भी मौजूद थी। तो हम पहला तो हमें ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञान अगर हो भी तो भी हम इसका इस्तेमाल रेगुलर तौर पर नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इन सब औषधियों को एक प्रपोर्शन में लेना ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को किसी भी मात्रा में नहीं ले सकते, क्योंकि जैसा कि अंग्रेज़ी में कहा जाता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आपने किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो वो नुकसान भी कर सकता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप ठीक मात्रा में ले पाएँ, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है। दूसरा, बहुत सारी औषधियों को एक कॉम्बिनेशन में लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे की मदद कर रही होती हैं, पाचन में, एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में मदद कर रही होती हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हर्बल प्रोडक्ट है तो हम घर पर ही ले सकते हैं, या जो इसमें बताया गया वो मैं घर पर भी खा लूँगी या खा लूँगा तो वज़न बढ़ जाएगा। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद एक सही प्रपोर्शन, जो एक साइंटिफिक तरीका है रिसर्च का, एक साइंटिफिक रिसर्च के बाद एक सही प्रपोर्शन में इन औषधियों का इस्तेमाल किसी भी प्रोडक्ट में किया जाता है। तो ये कुछ औषधियां हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली औषधि या पहला जो हर्बल चीज़ इसमें डली है उसको बोलते हैं पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हर्बल औषधि है और बहुत महंगी आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिल पाती है, और इसके अंदर जो पिक्नोजिनॉल नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो मसल्स में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। मसल्स में रक्त का प्रवाह बढ़ाने का मतलब हुआ कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी आप पी रहे हैं, जो पोषक तत्व आपके शरीर में जा रहे हैं, वो आपकी मसल्स को बनाए रखने में, आपकी मसल्स का विकास करने में, उनको बढ़ाने में और बनाए रखने में मदद करें। हमारे खून के थ्रू ही शरीर को पहुंचते हैं। आप देख रहे होंगे हम जब सुबह का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम जो है अपनी मसल्स को एक्टिवेट करने की एक्सरसाइज करते हैं कि रक्त का प्रवाह
जो है वो बिना अवरोध के होने लगे हमारे मसल्स में भी। मसल्स में रक्त का प्रवाह बिना अवरोध के होना का बेनिफिट तभी मिलने वाला है जब आपके रक्त में पोषक तत्व हों, आपके रक्त में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर हों जो उस रक्त के प्रवाह को, जो मसल्स में उस रक्त के प्रवाह को बढ़ा सकें। तो पिकनोजिनॉल नाम का जो ये एंटीऑक्स जो इसमें पाया जाता है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट में, वो मसल्स में रक्त के प्रवाह को आप यहाँ पर मैं आपको एक स्टडी है जो जिसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इसमें लिखा है पिकनोजिनॉल इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स स्ट्रेंथनिंग द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ऑफ फ्री रेडिकल्स। मतलब वो ऐसे एंजाइम्स को जन्म देता है, उत्पन्न करने में मदद करता है शरीर में, जो शरीर की जो एबिलिटी है, शरीर की जो क्षमता है फ्री रेडिकल्स को फाइट करने की, ऑक्सीडेंट्स को फाइट करने की, वो क्षमता बढ़ती है। देयर बाय अलाउइंग एन एथलीट टू रिकवर मोर एफिशिएंटली ड्यूरिंग साइकिल्स ऑफ हैवी ट्रेनिंग। एक एथलीट के लिए अगर पिकनोजिनॉल, एक एथलीट के लिए अगर पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट या पिकनोजिनॉल जो है वो ये कर सकता है कि जब वो हैवी ट्रेनिंग कर रहा है उसके बीच में रिकवर, जब बॉडी डैमेज होती है, ट्रेनिंग करते हैं तो मसल्स थोड़ी डैमेज होती हैं, उन मसल्स को अगर इमीडिएट रिकवरी करवाता है एक एथलीट के शरीर में ये करवा सकता है, तो सोचिए एक नॉर्मल इंसान जो एथलीट नहीं है उसके शरीर में वो मसल्स को कितना ज़्यादा मदद कर पाएगा। और इसमें आगे अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है इट हेल्प्स इंक्रीज ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्लो टू मसल्स एंड एनकरेज मसल टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ये मसल्स की ग्रोथ भी करता है, ये उनकी रिपेयर भी करता है, बढ़ा भी रहा है और जो डैमेज हो रही हैं उनकी मरम्मत भी कर रहा है। इसी तरह से ये जो दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि ये एंटीऑक्सीडेंट के उत्पादन को बढ़ाता है और खिलाड़ियों को भारी ट्रेनिंग के दौरान शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। ये पहला इसके अंदर जो है न्यूट्रीचार्ज गेनर में ये पहला पोषक तत्व है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। दूसरे पोषक तत्व पर हम आते हैं जिसका नाम है विथेनिया सोमनीफेरा या मैं कहूँ अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अश्वगंधा जो है वो शरीर में कुल प्रोटीन को बढ़ाता है और शरीर का वजन बढ़ाता है। ये देखिए मैं आपको एक इसकी स्टडी आपको पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। यहाँ लिखा है मिल्क सप्लीमेंटेड विद अश्वगंधा हैज़ बीन रिपोर्टेड टू इंक्रीज टोटल प्रोटीन्स एंड बॉडी वेट एंड द प्लांट अलोन हेल्प्स इन इंड्यूसिंग टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। तो अश्वगंधा जो है वो ये भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी, अश्वगंधा एक पुरुषों की सेक्सुअल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, हर्बल न्यूट्रिएंट है और इसकी आयुर्वेदा में इसका इस्तेमाल इस चीज़ के लिए किया जाता है। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि जिन लोगों की शारीरिक क्षमता कम होती है, जो दुबले पतले होते हैं, उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाता है या कम ही होता है, तो उनके लिए, पुरुषों के लिए अश्वगंधा बहुत इम्पॉर्टेंट एक हर्ब है जो बॉडी में टोटल प्रोटीन्स को बढ़ा रही है और बॉडी के वेट को बढ़ा रही है। इसके बाद हम ये देखिए न्यूट्रीचार्ज गेनर के एक स्कूप में जो कि 20 ग्राम का स्कूप है आपको 1200 mg अश्वगंधा मिलता है, जो सामान्य टैबलेट्स, जो अश्वगंधा की ही सामान्य टैबलेट्स होती हैं उनमें 200 mg से ज़्यादा होता ही नहीं है, यानी उसका 6 गुना आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर में मिलता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन आप देखेंगे, यहाँ दो दूसरे और सप्लीमेंट्स दिखाए गए हैं और ये दोनों सप्लीमेंट्स अश्वगंधा के ही सप्लीमेंट्स हैं। न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है वो सिर्फ अश्वगंधा का सप्लीमेंट नहीं है। न्यूट्रीचार्ज गेनर में जैसा मैंने आपको बताया करीब 17 औषधियाँ, हर्बल औषधियाँ डली हैं, अश्वगंधा उनमें से एक है। उनमें से एक होते हुए भी अश्वगंधा जो है 1200 mg डला है, जो और जो अश्वगंधा की टैबलेट्स होती हैं जो सिर्फ अश्वगंधा के नाम पर ही बेची जाती हैं उनमें 250 mg पर टैबलेट से ज़्यादा नहीं डला है। तीसरा है एस्पेरेगस रेस्मोसिस जिसको बोलते हैं शतावरी।
जिस तरह से मैंने आपसे कहा अश्वगंधा जो है वो पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी हर्ब है, उसी तरह से शतावरी जो है वो महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी हर्ब है। शतावरी का मतलब है शत यानी 100 वरों को वर लेने की ताकत, यानी महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा ताकत का संचार कर सकती है, उनकी शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकती है और तनाव कम करने के साथ एंटी एजिंग गुणों के लिए भी इसको जाना जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि दोनों प्रोडक्ट्स महिला के लिए अश्वगंधा, पुरुषों के लिए अश्वगंधा और महिलाओं के लिए शतावरी, तो ये एक ही प्रोडक्ट में क्यों डाल दिया गया है? शतावरी पुरुषों पर भी असर करती है और अश्वगंधा महिलाओं पर भी, तो दोनों को सोच करके डाला गया है। ये ना सोचें कि महिलाओं के लिए अश्वगंधा की ज़रूरत नहीं, फिर भी हमने इसमें अश्वगंधा डाल दिया। आप अगर चाहें तो अश्वगंधा को लेकर के या शतावरी को लेकर के आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको पता लगेगा कि दोनों के लिए, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए दोनों औषधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अश्वगंधा पुरुषों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शतावरी महिलाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आपको एक रिसर्च पेपर मैं दिखाती हूँ शतावरी के बारे में क्या कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे शतावरी मीन्स हु पजेसेज 100 हस्बैंड्स और एक्सेप्टेबल टू मेनी। 100 हस्बैंड्स का मतलब ये नहीं है कि एक महिला को 100 हस्बैंड्स होने चाहिए या होते हैं, इसका मतलब ये है उसकी शारीरिक क्षमता ऐसी है कि वो 100 पतियों को संभाल सके। इट इज़ कंसिडर्ड बोथ अ जनरल टॉनिक एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक। ये जो महिला की जनने की शक्ति, बच्चे को पैदा करने की जो ताकत होती है उसको बढ़ाता है। आगे हम पढ़ें तो इट इज़ द मेन आयुर्वेदिक रिजुविनेटिव टॉनिक फॉर द फीमेल एज विथेनिया इज़ फॉर द मेल। जैसे कि अश्वगंधा पुरुषों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉनिक है, उसी तरह से शतावरी जो है महिलाओं के लिए टॉनिक है। इट इज़ इफ़ेक्टिव इन ट्रीटिंग, यहाँ अगर मैं चौथी पांचवी छठी लाइन पढ़ रही हूँ, दिस हर्ब इज इफेक्टिवली इफेक्टिव इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो भी महिलाओं की प्रजनन क्षमता जो होती है उससे संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसको जो है ये ठीक कर सकती है। इट इज़ अ वेल नोन आयुर्वेदिक रसायन विच प्रिवेंट्स एजिंग, इंक्रीजेज लॉन्जिविटी, इम्पार्ट्स इम्यूनिटी, इम्प्रूव्स मेंटल फंक्शन, विगर ऑफ द बॉडी। तो ये इस तरह से हमने समझा कि ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हर्ब है। जैसा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो महिलाएं, जो बच्चियां या जो महिलाएं शारीरिक तौर पर दुर्बल रहती हैं, उनको मासिक धर्म अनियमित होता है और मासिक धर्म अनियमित होता है तो उनको बच्चे को पहले तो कंसीव करने में ही प्रॉब्लम आती है और अगर कंसीव कर लेती हैं तो उनको पूरे टर्म तक प्रेगनेंसी को कायम रखने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जितने भी प्रजनन क्षमता, प्रजनन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं शतावरी उनको सॉल्व करने में मदद करती है। आगे अगर हम बढ़े तो जो चौथा इंग्रेडिएंट डाला है वो है विटिस विनिफेरा, अंगूर। आपको सोचकर लगेगा अंगूर क्या है, अंगूर तो घर पे भी खाए जा सकते हैं। पहली बात तो हर सीजन में मिलते नहीं है, जितने चाहिए उतने खाए नहीं जा सकते हैं। और जब हम एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो या पाउडर की बात करते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है पोषक तत्वों का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो अंगूर शारीरिक दुर्बलता दूर करने के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स का स्रोत है। इनमें दिल की सेहत के लिए जो है वो रेजर्वेटॉल नाम का एक एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है। आइए इससे संबंधित एक रिसर्च पर नज़र डालते हैं। विटिस विनिफेरा बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ विटिकेस विच इज़ एन एशियन पेरिनियल वुडी वाइन, इसको हम छोड़ दें, हम नीचे पढ़ते हैं। इट पजेसिस एंटी डायबिटिक एंड एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़। ये जो है एंटी डायबिटिक भी है और एंटी ऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटी ऑक्सीडेंट सुन सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या नॉर्मल सी चीज़ें, एंटी ऑक्सीडेंट ही तो है। एंटी ऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे शरीर में। जितने भी ऑक्सीडेंट्स, जितने भी जिनको मैं बोलूँ, अगर मैं बोलचाल की भाषा में आपसे बात करना चाहूँ तो ये जितने भी जहरीले तत्व हमारे शरीर में एंटर करते रहते हैं, प्रवेश करते रहते हैं और उन्हें आप रोक नहीं सकते हैं, वो प्रवेश करते ही रहते हैं। कभी आसपास के प्रदूषण से, कभी आप जो खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड से, अगर आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले ली है तो उससे, इवन आपके थॉट्स से,
आपके विचारों से भी आप अपने शरीर में जो है बहुत सारे पॉइजनस चीज़ों को जन्म देते रहते हैं। तो इन पॉइजनस चीज़ों की सफाई करने के लिए, इनको आपके शरीर से लगातार बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बहुत साधारण भाषा में आपको समझाना चाहा है। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आपके शरीर के किसी हिस्से पर गंदगी लगी हुई है तो क्या आप उस गंदगी के साथ रह पाएंगे? आपका बार बार ध्यान उधर जाएगा और आप उसको धो करके साफ़ करना चाहेंगे। तो ये जो गंदगी हमारे शरीर के अंदर होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए इन एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि उसकी सफाई लगातार हो सके। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आपकी भोजन को पचने की क्षमता और अवशोषण की क्षमता को कम कर देते हैं। इसलिए जितने दुबले पतले लोग होते हैं वो अगर अच्छी तरह से खा भी रहे हैं तो भी उनका शरीर क्यों नहीं ग्रो कर पाता है, क्यों उनकी मसल्स नहीं बन पाती हैं? क्योंकि ऑक्सीडेंट्स की वजह से अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उनको एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है ताकि उनकी अवशोषण की क्षमता लगातार बनी रहे। आगे बात करते हैं, ये है प्रूनस अमाइगडेलस, जिसको बोलते हैं बादाम। बादाम ऑफ कोर्स हर घर में होती है और हमें लगता है कि हमने खा ली। आपको पता होना चाहिए किस मात्रा में खानी है। अगर सपोज कीजिए आपने मुट्ठी भर बादाम उठा करके खा ली तो इमेजिन कीजिए कितना फैट आपके शरीर में जाएगा, और मुट्ठी भर से ज़्यादा खा ली तो ज़्यादा फैट जाएगा। तो किस प्रपोर्शन में खानी चाहिए, इसी हिसाब से ये न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाली गई है। हम सब जानते हैं कि ये न्यूट्रिशन से भरपूर एक नट है और कई रिसर्च इसे बेहतर फैट और शारीरिक शक्ति का एक अच्छा स्रोत बताते हैं। बेहतर फैट, जैसा मैंने आपसे कहा, गुड फैट होता है और बैड फैट होता है, गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स। बादाम जो है गुड कार्ब्स में आती है, मगर ज़्यादा खा ली जाए तो बैड हो जाती है, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो कितनी खानी है उसी हिसाब से हमने इसमें डाली है न्यूट्रीचार्ज गेनर में। इस पर एक रिसर्च का पेज पढ़ते हैं। आमंड्स आर कंसिडर्ड हाईली न्यूट्रिशियस ड्यू टू रिच सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स। इट हैज बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड लिपोप्रोटीन प्रोफाइल। इट इज यूजफुल एज हेल्थ बिल्डिंग फूड बोथ फॉर बॉडी एंड द ब्रेन पावर। तो ये आपकी बॉडी और आपकी मानसिक क्षमता दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमंड इज वन अमंग दोज हाईली न्यूट्रिशियस नट्स इन स्ट्रेंथनिंग मसल्स, रिलैक्सिंग टेंस्ड मस्क्यूलर सिस्टम। इट एनहांसेस द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ऑफ योर न्यूरॉन्स, ऑगमेंट्स एनर्जी, फोर्टिफाइज द इम्यून सिस्टम। आपने देखा, ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है और फोर्टिफाइज का किलेबंदी कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को ये पूरी तरह से बेहतर बना करके रखता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी इम्यूनिटी रहेगी तो आप बीमार कम पड़ेंगे, जो आपका शारीरिक विकास होता रहा है उसमें आप एक स्टेप पीछे नहीं जाएंगे। तो बीमार कम पड़ना एक सेहतमंद शरीर की निशानी है, और अगर एक दुबला पतला जो कमज़ोर इंसान है वो फिट होना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो बीमार होना, उनका उनके शरीर का बीमार होना कम हो, जो बादाम इसमें मदद करता है। आपने ये भी देखा कि ये मसल को बढ़ाता है, मसल्स को स्ट्रेंथ मजबूत करता है, टेंस मसल्स जो होती हैं उनको रिलैक्स करता है। तो इसलिए बादाम जो है इन्हीं सब गुणों के कारण न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाला गया है। अब हम आगे बात करते हैं फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। बहुत सिंपल है ये, इसको खजूर बोला जाता है। शरीर को मजबूत बनाने के साथ ये आयरन का बहुत अच्छा स्रोत भी है। इसके बारे में अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊं तो सिल्वेस्ट्रिस इज हाईली रिच इन विटामिन सी एंड इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिंस दैट इम्प्रूव द विटामिन B12 लेवल इन एनेमिक पेशेंट्स। ये एक ऐसा फल है, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आयरन और विटामिन सी दोनों का भरपूर स्रोत है, और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए खजूर खाना
जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिवर्धक माना गया है आयुर्वेदा में। आपने बहुत सारे समुदायों में भी देखा होगा कि जब फास्ट को ब्रेक किया जाता है या जब शक्ति की ज़रूरत होती है तो खजूर का इस्तेमाल किया जाता है। खजूर में जिस तरह से अभी आपने इस रिसर्च पेपर में पढ़ा, आयरन और वाइटामिन सी दोनों साथ होता है, यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जिस वाइटामिन सी की ज़रूरत है वो भी इस खजूर में मौजूद है। आप कह सकते हैं कि हम रोज़ खजूर खा सकते हैं, मगर फिर से सवाल ये है कितना खाना है, किस प्रोपोर्शन में खाना है, इसका हमें पता नहीं है और रोज़ खजूर हम घर पर खाते भी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस यानी कि गोक्षुरा, ये यौन शक्ति में सुधार लाता है। अगर इस पर एक पेपर, रिसर्च पेपर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स इट हैज बीन सर्टिफाइड फॉर इट्स फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग सेक्सुअल फंक्शन एंड कार्डियक प्रोटेक्शन। दोनों चीज़ों में ये मदद करता है, ये सेक्सुअल कैपेसिटी को तो मैं तो मदद कर ही रहा है, साथ में ये कार्डियक यानी आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपको बार बार लग रहा होगा कि हम इतनी ज़्यादा सेक्सुअल कैपेसिटी पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि शारीरिक शक्ति जो है उसका एक प्रदर्शन जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा होता है। तो जो लोग शारीरिक तौर पर कमज़ोर रहते हैं उनमें ये कैपेसिटी कम रह पाती है। तो अगर कोई किसी न्यूट्रिएंट में ये लिखा गया है कि वो सेक्सुअल फंक्शंस को बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो शरीर की ताकत को बढ़ाने की क्षमता रखता है। कार्डमम इलायची हर घर में मिलती है, मगर फिर से सवाल ये है खाई नहीं जाती है। इलायची जो है वो भूख को बढ़ाती है, भोजन के पाचन और अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करती है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक अवशोषण बेहतर नहीं होगा तब तक पोषण जो है, पोषक तत्व जो हैं वो आपके शरीर को लगेंगे नहीं, वो आपके शरीर पर असर दिखाएंगे नहीं। इसका एक छोटा सा रिसर्च पेपर आपको आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। बाय स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ digestive juices, they stimulate appetite, enhance digestion and absorption of food, and with their relaxing effect on smooth muscle in the digestive tract, they can settle the stomach. ये आपने देखा, भूख बढ़ाता है और आपके डाइजेशन को, आपके पाचन और अवशोषण को बढ़ाता है। अब सवाल ये है, एक इलायची का दाना हम मुंह में रखते हैं और वो भी बहुत कभी कभी, बहुत लोगों को रॉ इलायची का टेस्ट पसंद भी नहीं आता है, तो कितनी खानी चाहिए, किस प्रपोर्शन में खानी चाहिए, इसी हिसाब से न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाली गई है। इन सवालों के जवाब मैं आपको साथ साथ इसलिए देती चली जा रही हूँ कि अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि ये सारी चीज़ें तो घर में भी मिलती हैं, तो आपको उनको यही बताना है कि घर में किस प्रपोर्शन में खानी है और रोज़ खानी है वो हो नहीं पाता है, प्रपोर्शन ही नहीं मालूम है हमें। आगे हम बात करते हैं पाइपर लॉन्गम, यानी इसको पीपली बोला जाता है, पीपर भी बोलते हैं बहुत जगहों पर। ये हमारे शरीर में कई पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी में मददगार है, यानी इस तरह से ये पोषक तत्वों को तोड़ने में मदद करता है कि वो पूरी तरह से अवशोषित हो जाए हमारे शरीर में। इस पर एक छोटा सा रिसर्च आपके सामने रख रही हूँ। पाइपर लॉन्गम इज अ हाईली वैल्यूएबल ड्रग एंड इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड प्रेपरेशंस इंक्लूडेड इन आयुर्वेदिक लिटरेचर। द यूज ऑफ द प्लांट एज अ बायो अवेलेबिलिटी इन्हांसर हैज इमेंसली इंक्रीज इज इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। इसका मतलब ये हुआ, जो भी पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाले गए हैं उनकी पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनका अवशोषण बढ़ाने के लिए, उनकी बायो अवेलेबिलिटी यानी शरीर में उनका अवशोषण बढ़ाने के लिए इसको डाला गया है पीपर को, ताकि ये पचाने में और अवशोषण में, पोषक तत्वों को पचाने और अवशोषण में मदद कर सके। तो आपने देखा होगा न्यूट्रीचार्ज गेनर में अब तक जो हमने समझा है, जितने पोषक तत्व डाले गए हैं वो न सिर्फ मसल्स में मदद कर रहे हैं बढ़ाने में, बल्कि पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद कर रहे हैं। ऐसे पोषक तत्व भी डाले गए हैं जो अवशोषण में भी मदद कर रहे हैं, तो मसल्स को बढ़ावा भी मिल रहा है और साथ में एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि बढ़ावा देने वाले पोषक तत्व ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकें और ज़्यादा मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकें।
इसके बाद है पाइपर नाइग्रम, जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर में न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण में बेहद सहायक है। 11वां है मूसा पैराडिसियाका, यानी केला, जिसको हम कदली भी बोलते हैं। हम समझते हैं केला ऊर्जा और ताकत से भरपूर है, ये हम जानते हैं। ये एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। इसका पाउडर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इस पर एक रिसर्च आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। बनानास कंटेन 3 नेचुरल शुगर्स, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज कंबाइंड विथ फाइबर। इसलिए इसको जो है भगवान का भोजन भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 तरह की प्राकृतिक चीनी शुगर का कॉम्बिनेशन है और इसमें फाइबर भी है और ये पोटेशियम से भी भरपूर है। ये एक ऐसा फल है जो बहुत ज़्यादा ताकत देने की योग्यता रखता है। पोटेशियम इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर हेल्पिंग मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड रिड्यूसेस क्रैम्पिंग अप। अ बनाना गिव्स एन इंस्टेंट सस्टेन एंड सब्सटैंशियल बूस्ट ऑफ एनर्जी। केला जो है वो इमीडिएट एनर्जी देता है। बहुत देर तक इस एनर्जी को, इस ताकत को, इस ऊर्जा को हमारे शरीर में बना करके रखता है। अब हम आते हैं सेब पर, पायरस मालस। सेब का सत जो है वो सेहत के फायदों का भंडार है और इसमें शरीर के लिए फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिंस पाए जाते हैं। जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और विटामिंस से भरा हुआ फल है। इसके बाद हम आते हैं क्यूमिनम सिमिनम पर। बहुत सिंपल है, आपको हिंदी में पता लगेगा तो आपको लगेगा तो जीरा है। जीरा जो है भूख और पाचन को बढ़ाता है। जीरा पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, एक आपके सामने पेश है। इसमें लिखा है इट एनहांसेस द एपेटाइट, टेस्ट परसेप्शन, डाइजेशन, विजन यानी आँखों की देखने की क्षमता, स्ट्रेंथ एंड लैक्टेशन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि अगर ये डाइजेशन में मदद कर सकता है, ये लैक्टेशन यानी बच्चे जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, दूध में बढ़ोतरी कर सकता है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली न्यूट्रिएंट है और इसीलिए ये इसमें डाला गया है, ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रीचार्ज गेनर के द्वारा आपके शरीर में पहुँच रहे हैं, उनके पाचन क्षमता और उनकी अवशोषण क्षमता को जीरा जो है वो बढ़ा सके। इसके बाद है जिंजिबर ऑफिशनल यानी अदरक। सेहत के लिए उत्तम है, साथ में शरीर के अंदर के इन्फ्लेमेशन को रोकता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। इसका एक पेपर आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जिंजर इज़ यूज वर्ल्ड वाइड एज अ कुकिंग स्पाइस, कॉन्डिमेंट एंड हर्बल रेमेडी। जिंजर इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन आयुर्वेदा, द ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ इंडिया, टू ब्लॉक एक्सेसिव क्लॉटिंग, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड फाइट अर्थराइटिस। यानी ये जो शरीर में जो ब्लड का क्लॉट बनने लगते हैं, जहाँ जहाँ शरीर जो जहाँ जहाँ ब्लड जो है अवरुद्ध होने लगता है, उसको ये रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आर्थराइटिस को ये में फाइट करने में मदद करता है। इन अरेबियन मेडिसिन जिंजर इज कंसिडर्ड एज अ एफ्रोडीजिया, मतलब ये सेक्शुअल कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट इंड्यूसेस स्वेटिंग एंड इम्प्रूव्स द एपेटाइट। सो इसके बहुत सारे गुण हैं जिसकी वजह से इसको न्यूट्रीचार्ज गेनर में डाला गया है। ये एपेटाइट को, भूख को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। हम हिंदुस्तानी भारतीय लोग जो हैं वो अदरक की पावर को समझते हैं। इसके बाद जो है वो है एम्ब्लिका ऑफिशनलिस यानी आंवला। विटामिन सी का स्रोत है, यह कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में मदद करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे शरीर में कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता रहता है, कुछ सेल्स मरते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब जब नए सेल्स बन रहे हैं और अगर उन्हें अच्छा पोषण मिलेगा तो सोचिए कितने स्वस्थ सेल्स बनेंगे, और अगर पोषण अच्छा नहीं मिलेगा तो वो स्वस्थ नहीं बनेंगे। नया बनना तो उनका नेचर है, उनका उनकी प्रकृति है। तो आपको मदद करनी है कि जब नए सेल्स बने, स्पेशली वो लोग जो शारीरिक तौर से दुर्बल हैं, उनके शरीर में जब नए सेल्स बन रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो सेल्स जो हैं वो अच्छे पोषण के साथ बने, अच्छे सेल्स बने। आंवला इसमें मदद करता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, इम्यूनिटी बढ़ा कर रखता है। जिस भी चीज़ में विटामिन सी है, दो चीज़ें आप और ज़्यादा चीज़ें याद ना रख पाएँ तो विटामिन सी के दो गुण आप याद करके रखें। पहला, इम्यूनिटी बढ़ाता है, दूसरा, आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। और
और आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। तो ये आंवला करता है। इस पर एक रिसर्च, इट इंक्रीजेज एनर्जी एंड रिमूव्स फटीग, ये ताकत को बढ़ाता है, थकान को कम करता है। इट सपोर्ट्स रीजेनरेशन ऑफ सेल्स, द सिस्टम थ्रू विच वॉर्न आउट हिस्टोरिक सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय सेंट्रल न्यू वंस। जैसा मैंने आपको बताया, पुराने जो मरे हुए सेल्स हैं, जो खत्म हो गए हैं सेल्स, उनको निकाल करके नए सेल्स को बनाने में मदद करता है। इट इंक्लूड्स क्रोमियम, जिंक एंड कॉपर। इट इज कंसिडर्ड एज एडेप्टोजेनिक, दैट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अब हम आते हैं, हमारा बहुत सबका, ऑलमोस्ट सभी का बहुत फेवरेट है ये घी, मगर आप पढ़ेंगे इसमें हमने लिखा है घी का उचित मात्रा में सेवन। उचित मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, उचित मात्रा में सेवन शरीर के टिश्यूज तक, डीप टिश्यूज तक बॉटनिकल्स और अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है। मतलब ये एक कैरियर है, आप जो पोषक तत्व ले रहे हैं उनको ये पूरे शरीर में पहुंचाने में मदद कर रहा है। बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो घी में ही, मतलब फैट में ही घुल पाते हैं, इसलिए हमने लिखा है उचित मात्रा में। ये ना समझें कि बहुत सारी मात्रा में घी खा लिया जाए तो वो फायदा करेगा। उचित मात्रा में घी जो है वो ये फायदा करता है कि सारे पोषक तत्वों को आपके शरीर में ले जाने में मदद करता है। अब हम पहुंच रहे हैं इसके आखिरी इंग्रेडिएंट पर, जिसका नाम है हनी। ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्राकृतिक स्रोत है, एंड अगेन गुड कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा स्रोत है और शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इस पर एक रिसर्च पढ़ते हैं। हनी इज अ ग्रेट नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू आवर बॉडीज। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम फटीग, मतलब आप अगर थके हुए हैं तो हनी कैन हेल्प यू अलॉट, आपकी बहुत मदद कर सकता है शहद। हनी इज नोन फॉर इज इफेक्टिवनेस इन इंस्टेंटली बूस्टिंग द परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस एंड रिड्यूस मसल फटीग ऑफ एथलीट्स। जो खिलाड़ी हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनकी बॉडी में ये बहुत जल्दी ऊर्जा का संचार कर सकता है, ये थकान को मिटा सकता है, मसल्स की थकान को मिटा सकता है। तो सोचिए हमारी थकान को और हमारे बॉडी में कितनी मदद कर पाएगा। द ग्लूकोज इन हनी इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी क्विकली एंड गिव्स एन इमीडिएट एनर्जी बूस्ट। हनी में जो ग्लूकोज होता है वो बहुत जल्दी अवशोषित होता है और इस वजह से हमारी बॉडी को बहुत जल्दी ऊर्जा मिलती है। अब आप इस न्यूट्रीचार्ज गेनर को अगर न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के साथ, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के साथ में अगर लेंगे तो इसके कुछ क्लिनिकली प्रूवन फायदे मिलते हैं। जैसा कि ये एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज गेनर, उसके फायदे हमने आपको यहाँ बताए हैं। 90 डेज की स्टडी हुई और मसल मास में 3.42% की बढ़त हुई। जैसा हमने अभी आपको बताया कि वेट को कम करना थोड़ा फिर भी आसान है, मेहनत ज़्यादा होती है मगर पॉसिबल है। मसल्स को बढ़ाना, क्योंकि हम आप एक दुर्बल शरीर को फैट बढ़ा करके मोटा नहीं करना चाहते हैं, हम एक दुर्बल शरीर को मसल्स बढ़ा करके चाहते हैं कि उनका शरीर जो है फिट बने। मसल्स बढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो अगर न्यूट्रीचार्ज गेनर के पोषक तत्व एक दुर्बल इंसान की 90 दिन में 3.42% मसल्स बढ़ा पा रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्ट। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस प्रोडक्ट को लेने के साथ साथ हमें व्यायाम और एक न्यूट्रिशनल डाइट की भी ज़रूरत है। एक बार पहले इसका हम पूरा कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। ये कंक्लूजन कहता है, द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट दैट न्यूट्रीचार्ज गेनर अलॉन्ग विद न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वेट बाय इंक्रीजिंग मसल मास। वेट बढ़ा रहा है, मसल मास को बढ़ा करके बढ़ा रहा है, एंड अलॉन्ग विद इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स इन एडल्ट्स, बट इम्पॉर्टेंटली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऊर्जा को बढ़ा रहा है, मसल मास को बढ़ा रहा है, विदाउट एडवर्स इवेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सप्लीमेंटेशन। मतलब 90 दिन तक जब तक ये सप्लीमेंट लिया गया तब तक किसी तरह का कोई एडवर्स, कोई नुकसानदायक, कोई विपरीत घटना नहीं घटी उनके शरीर के साथ। इट घटना नहीं घटी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई विपरीत इफेक्ट नहीं आया, असर नहीं हुआ। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट सब्जेक्ट्स हैड एन ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ वेलबींग यूजिंग द प्रोडक्ट एंड ड्यूरिंग द स्टडी देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द सब्जेक्ट आफ्टर 90 डेज। मतलब 90 दिनों में उनकी ओवरऑल, उनकी संपूर्ण शारीरिक क्षमता पर, शारीरिक रखरखाव पर बहुत अच्छा असर पड़ा न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट को साथ में लेने से।
सो ये न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट साथ में लेने से क्या हो रहा है, आपको मिल रहा है 15 ग्राम प्रोटीन, एक 1200 mg अश्वगंधा, 1000 mg शतावरी, 800 mg गोक्षुरा और 1200 mg कदली यानी केले की शक्ति। यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट से आपको तुलना करके बताया है कि किस तरह से जो सबसे ज़्यादा कॉमन और फेमस प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले न्यूट्रीचार्ज गेनर आपको दे क्या रहा है। एक ग्लास न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट अगर आप साथ लेते हैं तो 15 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को मिलता है, 6 ग्राम अश्वगंधा मिलता है, 5 ग्राम शतावरी मिलती है, 4 ग्राम गोक्षुरा मिलता है और 6 ग्राम केले की ताकत मिल रही है। इसके विपरीत दूसरे सप्लीमेंट को अगर आप लेंगे तो 3 ग्राम प्रोटीन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है, यानी दूसरे पोषक तत्वों की तो ताकत मिल ही नहीं रही है, प्रोटीन भी इतना नहीं मिल रहा है कि उससे मसल्स की ग्रोथ हो सके। ये एक छोटा सा कंपैरिजन आपको आपके सामने हम पेश कर रहे हैं जिसमें हमने 3 प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया है। आप देखेंगे एक प्रोडक्ट में तो पहला जो कॉलम है वो न्यूट्रीचार्ज गेनर प्लस न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट का कॉलम है और इसमें आप देखेंगे कि 17 हर्ब्स डली हुई हैं जो आपको यहाँ दिखाई जा रही हैं। दूसरे प्रोडक्ट में आप देखेंगे दूसरे कॉलम में क्रॉस 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 लगा हुआ है, यानी ये हर्ब्स इनमें, ये पोषक तत्व इनमें है ही नहीं, 3 ग्राम प्रोटीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तीसरा जो हम देख रहे हैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, जो जैसा मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को संभालता है और आपके शरीर में मसल्स को बढ़ाने का काम करता है, वो जो है इस प्रोडक्ट में मौजूद ही नहीं है। सो इस तरह से सुदृढ़ शरीर पाएं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते जाएं। अब जो हमें बात करनी थी डाइट प्लान पर, वो मैं आपसे सीधे बात करना चाहती हूँ कि जब आप न्यूट्रीचार्ज गेनर ले रहे हैं तो आपको डाइट प्लान का ध्यान रखना है। एक डाइट प्लान हमने इस रोगमुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की जो पार्ट बी वाली किताब थी उसमें पीछे हमने एक डाइट प्लान लिखा था, डाइट प्लान बॉडी बिल्डिंग के लिए। ये डाइट प्लान है जो आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ फॉलो करना है। इसमें गुड कार्ब्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और प्रोटीन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जनरल तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे वाले, जैसा हमने देखा केला इज़ अ गुड कार्बोहाइड्रेट, हनी इज़ अ गुड कार्बोहाइड्रेट, तो केला, शहद, आलू इज़ अ गुड कार्बोहाइड्रेट, इस तरह के शकरकंद इज़ अ गुड कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। प्रोटीन जिन चीज़ों में प्रोटीन है, इस न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट सप्लीमेंट में तो 15 ग्राम प्रोटीन है ही, उसके अलावा भी जिन चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन है जैसे दालों में है, सोयाबीन में है, जैसे बहुत सारी सब्जियों में है, वो ज़्यादा खानी चाहिए और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही कि आपको जिम में जाकर के डंबल्स से एक्सरसाइज करनी चाहिए, मगर आपको कम से कम 6000 कदम वॉक और 250 सीढ़ी चढ़ने की एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। इससे मसल सुदृढ़ होती हैं, जो पोषक तत्व आप खा रहे हैं वो आपके मसल्स में रक्त का संचार बेहतर करती हैं। तो आप ये ना सोचें कि अगर शरीर दुबला पतला है तो एक्सरसाइज करने से वो और दुबला पतला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब आप न्यूट्रीचार्ज गेनर प्लस न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेंगे और साथ में आप बहुत पौष्टिक खाना खाएंगे तो यकीनन एक्सरसाइज से आपका शरीर फिट होगा, बेहतर बनेगा। आप कुछ सवाल लेते हैं। अजय वर्मा जी का प्रश्न है, कैन अ पर्सन यूज न्यूट्रीचार्ज गेनर टू रिड्यूस बॉडी फैट, देयर इज अ सेपरेट प्रोडक्ट फॉर दिस पर्पस? यस, देयर इज अ सेपरेट प्रोडक्ट फॉर दिस पर्पस। बॉडी फैट को बॉडी फैट यानी शरीर के अंदर जो चर्बी है उसको लूज करने के लिए न्यूट्रीचार्ज गेनर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका नाम ही गेनर है, ये आप शरीर को मसल्स को और सुदृढ़ बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। अगर 5 किलो वजन बढ़ाना है तो क्या ड्यूरेशन होगा? जैसा हमने बताया कि टारगेट है 2 से 3 महीने, आप कम से कम 3 महीने ज़रूर लीजिए न्यूट्रीचार्ज गेनर प्लस न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट को, ताकि आप कहीं 4 से 5 किलो तक पहुंच पाएं। मगर इस बात का ध्यान रखें, डाइट प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और एक चीज़ जो मुझे ध्यान में आ रही है, आपको इस बीच में कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का मतलब हुआ कब्ज़ का मतलब हुआ आपके शरीर में पोषक तत्व जो हैं उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो
तो यकीनन आप अपने टारगेट वेट तक 3-4 महीने में पहुंच पाएंगे। हम आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये आपकी शरीर पर डिपेंड करता है और आप कितना इसको 2 बार दिन में आपको लेना चाहिए, तो दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले दोनों वक्त न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के साथ में 1 स्कूप, चलिए ऐसा प्रोसेस समझते हैं, लो फैट मिल्क लीजिए आप 200 ml ग्लास में, उसमें आप 1 स्कूप न्यूट्रीचार्ज गेनर का डालिए, 1 स्कूप आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का डालिए, आपको चीनी मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से आप मिक्स कीजिए, चम्मच से मिक्स मत कीजिए क्योंकि उसमें थोड़ी गांठें रह जाती हैं, आप कोशिश करें कि आप इसको किसी ब्लेंडर में या मिक्सी में मिक्स कर लें। ये आपका एक स्वादिष्ट शेक तैयार हो गया, खाना खाने से करीब आधा पौन घंटा पहले ले लीजिए, लंच से पहले भी और डिनर से पहले भी, ताकि आपकी भूख खुले और तो जब आप जो खाएंगे उसका आपके शरीर में अवशोषण बेहतर होगा। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते रहे तो आप अपने टारगेट वेट के हिसाब से वजन बढ़ा पाएंगे। राइट टाइम टू यूज द प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है। इज इट पॉसिबल टू मेक न्यूट्रीचार्ज गेनर वीगन? गुड क्वेश्चन। अभी तक हमने वीगन पर विचार नहीं किया है क्योंकि शरीर को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत कहीं मिल्क प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने इसमें डाला है और हम इसे दूध में ही एडवाइस कर रहे हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप दूध ना लेना चाहें तो जो लोग दूध ना लेना चाहें वो न्यूट्रीचार्ज गेनर को पानी और केले के साथ या किसी भी पल्पी फ्रूट के साथ स्मूदी, जिस तरह से हम न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट की स्मूदी बनाते हैं उस तरह से स्मूदी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैं ऐसा कहूँ आप जब न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट की जिस तरह से स्मूदी बना रहे हैं उसमें आप 1 चम्मच जो इसमें स्कूप दिया गया है, 1 स्कूप आप न्यूट्रीचार्ज गेनर का भी उसमें ऐड कर दीजिए, बहुत डिलिशियस स्मूदी आपको मिल जाएगी। थायरॉयड न्यूट्रीचार्ज गेनर, थायरॉयड पेशेंट्स न्यूट्रीचार्ज गेनर ले सकते हैं क्या? जी नहीं, रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि थायरॉयड के लोग जो हैं अक्सर वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट तो उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद में आप प्रोटीन लीजिए, प्रेगनेंसी के बाद में, यानी आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट लीजिए, न्यूट्रीचार्ज गेनर प्रेगनेंसी के बाद में रेकमेंडेड नहीं है। एक किसी का पर्सनल सवाल है कि उनका 70 kg वज़न है और 165 cm हाइट है, क्या वो यूज़ कर सकते हैं? प्लीज़, जैसा हमने आपको बताया, बॉडी स्कैनर का आप इस्तेमाल कीजिए, अपनी रीडिंग्स को देखिए और उसके बाद ही आप ये फैसला कीजिए। BMI की हमने आपको रीडिंग्स बताई, अगर 18 से नीचे है आपकी BMI की रीडिंग तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका फैट जो है वो ज़्यादा है, 25% से ज़्यादा है, तो आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये बॉडी स्कैनर की रीडिंग के द्वारा ही आप पता लगा पाएंगे कि न्यूट्रीचार्ज गेनर लेना चाहिए या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं, कैन चिल्ड्रन यूज न्यूट्रीचार्ज गेनर? नहीं, 18 साल से ऊपर ही न्यूट्रीचार्ज गेनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बच्चों को आप न्यूट्रीचार्ज किट्स दीजिए, जितने पोषण तत्व की उन्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के द्वारा जितना पोषण लेने की जरूरत है वो न्यूट्रीचार्ज किट्स में डाला गया है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू बी गिवन, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, दोबारा मैं इस पर जवाब नहीं दे पाऊंगी। योगेश सक्सेना हैज अप्रिशिएटेड द प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज गेनर, थैंक यू योगेश जी। हाउ टू लूज वेट, ये हमने बात कर ली है। हाउ मच पर्सनल सवाल, प्लीज आप बॉडी स्कैनर की रीडिंग देखें। कैन बी डेवलप मसल्स एट द एज ऑफ 45? यू कैन डेवलप मसल्स एट द एज ऑफ 45, यस। आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों का प्लान फॉलो करना पड़ेगा। न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी की क्वांटिटी, 1 सैशे आपको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट लेना है, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट के साथ बेहतर टेस्ट करता है, और 1 स्कूप आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर का लेना है। 6 packs कैन इट हेल्प, ये अनवर आलम या अंसर आलम जी का क्वेश्चन है। इट कैन, एज आई सेड, यू हैव टू डू प्रॉपर एक्सरसाइज एंड टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ईट अ हेल्दी डाइट। व्यायाम यानी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस डाइट और न्यूट्रीचार्ज गेनर और साथ में न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, इट कैन हेल्प। Can it help in conceiving?
न्यूट्रीचार्ज गेनर नाम है प्रोडक्ट का, मसल गेन में मदद करता है, कंसीव करने में इनडायरेक्टली मदद कर सकता है, अगर आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, शारीरिक मजबूती रहेगी, हाँ तो ये मदद कर सकता है इस तरह से कि आपका शरीर मजबूत रहेगा। अदरवाइज क्या ये एक्चुअल गर्भ धारण में मदद कर पाएगा? ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, इसके लिए हम क्लेम भी नहीं करते। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हम जो प्रोडक्ट जिस चीज़ क्या है उसके अलावा क्यों हम इतने सारे सवाल पूछते हैं, थायराइड में मदद करेगा क्या, कंसीविंग में मदद करेगा क्या, ये सारी चीज़ें जैसा भागचंद जी बोलते हैं जिस पर आप फोकस करते हैं वो बढ़ जाता है। तो आप गलत चीज़ों पर फोकस मत करिए प्लीज़, ये मसल बनाने के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। आपका ही फोकस अगर गलत रहेगा तो आप इसे दूसरों को बताएंगे कैसे, प्रमोट कैसे करेंगे? जिस चीज़ के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है उसी चीज़ पर फोकस करें। हर प्रोडक्ट को हर एक को बेचा नहीं जा सकता है, जिस तरह से हर साइज़ का हर एक कपड़ा आप हर एक को नहीं पहना सकते, उसकी साइज़ के हिसाब से ही पहना पाएंगे, तो आपको उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट सजेस्ट करना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट को आप थायराइड, प्रेगनेंसी इससे मत जोड़िए प्लीज़, कैंसर, एचआईवी, जो पेशेंट्स आते हैं, आप हर प्रोडक्ट को इनसे मत जोड़िए। जो प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसी पर आप फोकस करें तो बेहतर रहेगा। कुछ आखिरी क्वेश्चंस हैं। कैन बी यूज ओनली न्यूट्रीचार्ज गेनर, ये एक सवाल है। यू कैन, बट जैसा हम आपको बता रहे हैं कि शारीरिक वजन बढ़ाने के लिए, अच्छी तरह से एक सुदृढ़ बॉडी पाने के लिए, मसल्स को बढ़ाने के लिए, कि आपका शारीरिक वजन ऐसा बढ़े कि आपकी मसल्स बेहतर हो, उसके लिए ज़रूरत है प्रोटीन की। और न्यूट्रीचार्ज गेनर में जो है हमने प्रोटीन डाला नहीं है, क्योंकि इसमें 17 वो पोषक तत्व डाले गए जो आपकी मसल्स के अंदर पोषण पैदा करने में, ताकत पैदा करने में, एब्जॉर्प्शन में मदद कर सकते हैं। साथ साथ में आपको 15 ग्राम प्रोटीन की भी ज़रूरत है, इसलिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप दोनों, यानी न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, दोनों को साथ में आप इस्तेमाल करें। कैन बी यूज टू टाइम्स, इसका मैं जवाब दे चुकी हूँ आपको कि हमें दो बार यूज़ करना ही चाहिए, दोपहर के खाने से पहले और शाम के खाने से पहले। कहाँ कहाँ पर आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, ये एक बात हमारा करना रह गया है। न्यूट्रीचार्ज गेनर जो है आप उन सभी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, जैसा आपने देखा 21 करोड़ लोग भारत में अंडरवेट हैं। आप देखेंगे कि 18 से 26 की रेंज में, ऐसे इस एज ग्रुप में बहुत सारे युवक और युवतियां जो हैं वो अंडरवेट हैं और इस बात से परेशान होती हैं कि उनका वज़न नहीं बढ़ पाता, उन्हें आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। और जैसा हम आपसे बार बार कह रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट हो या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट हो या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट हो, इसकी बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज बन सकती हैं। उसी तरह से न्यूट्रीचार्ज केसर, न्यूट्रीचार्ज गेनर की भी बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत टेस्टी सप्लीमेंट है। आप अगर इसे दूध में मिला करके पियेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत टेस्टी है। तो इससे तरह तरह की रेसिपीज़ भी आप ट्राई करके प्रमोट कर सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को हम ख़त्म करने की इजाज़त चाहेंगे। जे आर सी एम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।